गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर 6, ओके चैप्टर 6 द ग्रास होपर एंड द एंट, जो चैप्टर हमारा रनिंग में था वो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ओके नाउ व्हाट वी विल डू इन दिस क्लास, इस क्लास में क्या करेंगे कि जो हमारा चैप्टर नंबर 6 जो था वो कंप्लीट हो गया। टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7 टिट फॉर टैट। ओके हम अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ओके चैप्टर 7 टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ओके ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या बताया हुआ है, क्या हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलता है। ओके इसका मोरल क्या होता है। ओके सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7 टिट फॉर टैट। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द कंट्री ऑफ पेरिस, कि बहुत ज़्यादा सालों पहले ईयर्स एगो एक कंट्री, कौन सी? पेरिस। ओके जो पेरिस जो कंट्री है उस कंट्री में नाउ कॉल्ड ईरान, जो ईरान अभी क्या कहते हैं उसे, ईरान। ओके जो कंट्री पेरिसा है, जो ईरान जो कंट्री है उस कंट्री को पहले क्या किस नाम से जानते थे? पेरिसा। ओके सो नाउ कॉल्ड ईरान, जो कि अभी ईरान के नाम से जानी जाती है। देयर लिव्ड मैन, वहां एक आदमी रहता था, हिज नेम वॉज निजारुद्दीन। ओके जिनका क्या नेम था? निजारुद्दीन। ओके उन मैन का क्या नेम था? निजारुद्दीन। ही वॉज ए मौला, और वो क्या थे? एक मौला थे। ओके जो मुस्लिम रिलीजन में होता है कि जो इनके मस्जिद वगैरह होती हैं उनमें मौलाज होते हैं। ओके सो जो निजारुद्दीन जो थे वो क्या थे? एक मौला थे। ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत ज़्यादा चतुर थे। वन डे एक दिन निजारुद्दीन वेंट टू हिज नेबर्स हाउस, एक दिन जो निजारुद्दीन जो है वो अपने पड़ोस के घर जाते हैं, नेबरहुड के घर जाते हैं। ओके नेबरहुड पड़ोस, वो अपने पड़ोस के घर जाते हैं। हिज नेबरहुड वॉज फैट वुमन कॉल्ड फातिमा, और उनके पड़ोसी कौन थे, उनके नेबरहुड कौन थे? एक बहुत ही मोटी सी औरत, फैट औरत, जिनका क्या नेम था? फातिमा। ओके जो निजारुद्दीन है उनके नेबर कौन थी? एक फैट वुमन, क्या नाम था? फातिमा। ओके वहां जाते हैं जो मौलाजी हैं, वो जाते हैं, जो निजारुद्दीन है वो जाते हैं वहां। मे आई बोरो ए पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? आस्क निजारुद्दीन, निजारुद्दीन पूछता है कि क्या मैं आपका ये जो पेन है, जो तवा है, क्या ये कुकिंग पेन की बात चल रही है यहाँ पर। ओके सो क्या मैं आपका ये जो पेन है ये ले सकता हूँ? ऑफ कोर्स सेड फातिमा, तो फातिमा कहती है कि हाँ ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते, आप ले सकते हो। नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन निजारुद्दीन टुक द पेन बैक टू फातिमाज हाउस, तो जो निजारुद्दीन जो होता है वो जो पेन लेके जाता है वो वापस फातिमा को देने आता है। थैंक यू फॉर द पेन, कि और जो फातिमा ने उसे तवा दिया वो उसके लिए उसे थैंक यू कहता है। ओके क्या कहते हैं? थैंक यू कि आपने मुझे पेन दिया। सॉरी से ही सेड टू फातिमा, उन्होंने फातिमा को कहा ओके कि थैंक यू आपने मुझे पेन दिया। फातिमा शो ए स्मॉल पेन इनसाइड हर पेन, और जो फातिमा है वो देखती है कि उसने जो पेन दिया, फातिमा शो ए स्मॉल पेन इनसाइड हर पेन, वो अपने तवे में जो उसका जो पेन होता है, जो फातिमा है वो अपने तवे में एक और छोटा पेन वो देखती है। ओके फातिमा क्या देखती है कि उसका जो पेन था
उसके पेन में एक और छोटा पेन और भी था। ओके, व्हाट्स दिस, ये क्या है? सी आस नसारुद्दीन, वो नसारुद्दीन से पूछती है कि ये क्या है? ओ दैट, ओ ये, सेड नसारुद्दीन, नसारुद्दीन रिएक्शन करता है, ओ ये, योर पेन हैड ए बेबी लास्ट नाइट, कि तुम्हारे जो पेन था, जो तवा तुमने मुझे दिया था, उसने उसको रात को बेबी हो गया। ओके, व्हाट अ स्टूपिड मैन, क्या थॉट फातिमा, फातिमा सोचती है कि कितना बेवकूफ आदमी है ये, बट सी ओनली सेड, पर वो ओनली इतना ही कहती है, थैंक यू नसारुद्दीन, कि वो नसारुद्दीन को थैंक यू बोलती है, एंड टुक बोथ द पेन इनसाइड द हाउस, और दोनों जो तवे होते हैं, दोनों जो पेन होते हैं, उनको वो अपने घर में ले जाती है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ तक आपको एज अ होमवर्क रीड करना है। ओके, आगे का चैप्टर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, बाय।